शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तीसरा चैप्टर है घनमूल और एक्सरसाइज है हमारी 3B। 3B का हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है, ये हमको बताना है, ठीक है। 8 का घनमूल, ठीक है, ये, या -8 का घनमूल, किसका घनमूल बड़ा है हमको ये बताना है, ठीक है, कौन सा बड़ा है। तो 8 का घनमूल जो होगा वो कैसे निकाला जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। इसका क्या निकालेंगे, इसका जो घनमूल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, -2 × -2 × -2। तो मतलब क्या निकलेगा, ये जो निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, -2 निकलेगा। अब 2 बड़ा है कि -2 बड़ा है, बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, कौन सा बड़ा है। हाँ 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 सही सही, बिल्कुल सही, आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, ठीक है। तुम्हारा आंसर जो हो जाएगा 2 वाला सही हो जाएगा, कौन, √8 जो है ये हमारा बड़ा हो जाएगा, कौन सा बड़ा हो जाएगा, 8 का घनमूल जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है वो लग गया, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, 32 में से किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें, 32 में से किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल जो है वो पूर्ण घन हो जाए, ठीक है, गुणनफल जो है पूर्ण घन हो जाए, ठीक है। 32 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल जो है पूर्ण घन हो जाए। तो हमारा 32 जो है, 32 का क्या करेंगे, हम लासा ले लेते हैं, ठीक है। 2 × 2 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8 और 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। तो हमारा क्या निकला है लासा, जो हमारा लासा जो निकला है वो निकला है कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, 1, 2 जो है अकेला रह गया है। हम घनमूल चल रहे हैं ना, तो हम वर्गमूल क्यों पढ़ाने लगे आपको, तो इसका 3 का जोड़ा बन गया है, एक ही जोड़ा, एक ही तिकड़ी बनी है, एक इसकी तिकड़ी के लिए हमें 2 चाहिए होगा, तो किसकी गुणा करनी पड़ेगी। तो हम क्या लिख देंगे, इसमें सिर्फ 2 का ही घन है, बाकी 1 जो 2 है उसमें कम है, मतलब अगर इसमें 1 और 2 होता तो हमारा बन जाता, तो किससे गुणा की जाती, तो अतः घनमूल में घन वाली जो संख्या है, दी गई संख्या में 2 से गुणा करें तो यह पूर्ण घनमूल बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक है। तो हमारी संख्या क्या आएगी, तो अतः वह संख्या कौन सी हमारी हो जाएगी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 इसमें कम है ना, 2 इसमें कम है जो कि हमारे पास नहीं है, 2 इसमें कम है, तो मतलब वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम कौन सा क्वेश्चन चलते हैं, सॉरी मैंने बहुत जल्दी इरेज कर दिया है, उसके लिए सॉरी, आप भी बैक करके देख लेना और पॉज करके देख लेना, ओके। अगला हमारा क्वेश्चन है तीसरा हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें घन बताने, कौन सी संख्या पूर्ण घन है, कौन पूर्ण घन है, ठीक है, पूर्ण घन है ये हमको बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहला इन्होंने दिया है 432 दिया है, तो क्या करना पड़ेगा,
432 का हमें लासा लेना पड़ेगा, ठीक है। 432 का हम लासा लेके देखते हैं, ठीक है। तो जिससे हमें पता चल जाएगा ये घन है कि नहीं है, पूर्ण घन है कि नहीं है। तो आइए करते हैं। तो 2 से किया, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 छंग 12। फिर 2 से किया, 2 एक कम 2, फिर 0 उतारा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से किया, 2 पंचे 10 और 2 चक्कू 8। फिर 2 से किया, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14। फिर 3 से किया, 3 नियम 27। फिर हमने 3 से किया, 3 तिया 9। फिर हमने 3 से किया, ठीक है, फिर 1 आ गया। तो हमारे जो जो हमारा वो आया है, हमको बताना है कि पूर्ण घन है कि नहीं है, ठीक है। तो हमको ये हमारा क्या निकलना है, पूर्ण घन है कि नहीं है, ये हमको बताना है सिर्फ, ठीक है। तो 432 जो है ये हमें निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 432 के वो लासा क्या निकले हैं, तो 432 जो है हम यहाँ पे लिखे ले रहे हैं। क्या क्या निकला है, कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार हमारा क्या है, 2 है, 1 2 3 3 4, ठीक है। फिर और 3 कितनी बार है, 1 2 3, तो मतलब इसका तो बन गया, इसका बन गया, ठीक है। ये इसका इसका भी त्रिक बन गया है, इसका भी त्रिक बन गया है, इसका त्रिक नहीं बना है। तो हम क्या कह देंगे, 432 जो है पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। आप लिख लेना, 432 जो है पूर्ण घन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 का त्रिक जो है वो नहीं बना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 729, क्या है, 729, ठीक है। 729 है तो चलिए 729 का लासा निकालते हैं, ठीक है। 729 का हम लासा निकालते हैं, चलिए यहीं पर से ही निकाल लेते हैं, ठीक है। 729 है, यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन डाले दे रहे हैं, 729 यहाँ से हटाए दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी ना इसीलिए। तो अब हम किससे करेंगे, 3 से करते हैं, 3 दूनी 6 और 1 बचा, 3 चक्कू 12, कुछ नहीं बचा, 3 तिया 9। अब हम किससे करते हैं, 3 से फिर करते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 एक कम 3। फिर हम 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर हम 3 से करते हैं, 3 नियम 27। फिर हम किससे करेंगे, 3 तिया 9, 3 एक कम 3। तो हमारा क्या आएगा इसमें, 729 में क्या आएगा, 729 में जो हमारा आएगा वो आएगा 3 × 3 × कितनी बार 3 है, 1 2 3 4 5 6, 3 × 3 × 3 × 3, ये हमारी त्रिक बन गई, ये हमारी त्रिक बन गई। तो इसमें तो त्रिक बन गई, तो हम लिख सकते हैं कि हाँ ये हमारा क्या है, ये हमारा घन है, पूर्ण घन है, ये हमारा पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वो है 13,824, कितना है, 13,824, ठीक है। अब इसका लासा निकालते हैं, तो 13,824 जो है वो हम करते हैं, ठीक है। अब इसका करते हैं, ये हमने लाइनें खींच ली हैं, 2 से करते हैं, 2 छंग 12, ठीक है, और बचा 1 दुने 18, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से करते हैं, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 छंग 12, ठीक है। फिर हम किससे करते हैं, फिर हम 2 से करते हैं, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करते हैं, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8। फिर 2 से करते हैं, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 छंग 12। फिर 2 से करते हैं, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर हम 2 से करते हैं, फिर 2 से करें, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8। फिर 2 से करेंगे, और 2 एक दूनी 4,
और 2 × 7 = 14 फिर 3 से करेंगे 3 × 27 दिख रहा है ना पूरा, मैं फालतू में गुछ पुछ कर दे रही हूँ, दिख तो रहा है। फिर 3 से करेंगे 3 × 27 फिर 3 से किया 3 फिर 3 से किया 1 ठीक है। अब हमारे कितने बार 2 लिखे हैं, अब हम यहाँ पे लिख लें, आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारा क्या था 13,824 था ठीक है। तो इसमें क्या आया है हमारा जो आया है कितनी बार 2 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार है, 9 बार क्या है 2 है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फिर 3 बार 3 है 1, 2, 2, 3 तो ये त्रिक बन गया सबका त्रिक बन गया ना, तो मतलब कि ये हमारी पूर्ण घन है ठीक है। जब त्रिक बन जाते हैं तो हमारा पूर्ण घन आ जाता है, बस पहला वाला ही निकला है फिलहाल, अभी तक पूर्ण घन नहीं है ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चौथा क्वेश्चन लगाते हैं ठीक है। चौथा क्वेश्चन जो है उसको लगाते हैं, चौथा हमारा क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन चल रहा था ना, तीसरे का चौथा तो क्या है हमारा, तीसरे का चौथा है 4,608, चौथा है नहीं सॉरी 42,875। इसका हम लासा निकालेंगे, 42,875 का हम लासा निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, 5 से करते हैं 5×8=40 और 2 × 5=25 3 × 5=35 2 × 5=25 ठीक है। फिर 5 से करते हैं 5×5 3 × 5=35 कुछ नहीं बचा 5×5 2 × 5=25 ठीक है। फिर हम 5 से करते हैं 5×15 2 × 5×20 1 × 5×15 अब किससे करेंगे 7 से करेंगे 7×28 29, 30, 31, 32, 33, 34 7×63 फिर 7 से करेंगे 7×49 फिर 7 से करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये आया है। अब हम देखते हैं इसका त्रिक बनता है कि नहीं, 42,875 को हम जब लिखेंगे तो ये हमारा लिखा जाएगा 5×5×5×7×7×7 ठीक है। इसका भी त्रिक बन गया, इसका भी त्रिक बन गया, मतलब ये जो है हमारी पूर्ण घन संख्या है, क्या है पूर्ण घन संख्या है। अब हम 5वां क्वेश्चन करते हैं, तो 5वां हमारा क्वेश्चन क्या है वो है 4,608 क्या है 4,608 तो 4,608 जो है उसका हम क्या निकालेंगे लासा निकालेंगे। तो चलिए लासा निकाल लेते हैं, 2 से किया 2×2=4 2×3=6 2×4=8 फिर 2 से कर लेते हैं 2×2=2 2×1=2 1×4 2×5=10 2×2=4 फिर 2 से किया 2×5=10 1×4 2×7=14 1×4 2×6=12 ठीक है। फिर 2 से करते हैं 2×2=4 2×2=4 और 1×4 2×8=16 1×4 2×8=16 फिर 2 से करते हैं 2×1=2 2×8 2×8 फिर हम किससे करते हैं 12 से कर देते हैं 2 से ही करेंगे 2×7=14 और 2×2=4 अब हम किससे करेंगे फिर 2 से करेंगे 2×2=4 और सॉरी 2×3=6 2×3=6 और 2×6=12 2×3=6 ठीक है 2×3=6 अब फिर 2 से करते हैं 2×1=2 2×8=16 फिर 2 से करते हैं 2×8=18 फिर हमारा 3 से करेंगे
फिर तीन, तीन तिया नौ हुआ, तीन एकम तीन हुआ। इस तरीके से हमारा जो लासा आया है किसका, 4608 का जो लासा आया है, क्या आया है, वो आया है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ×
10 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 3 × 3 तो इसका बन गया, इसका बन गया और इसका बन गया। 2 का नहीं बना, 3 का नहीं बना, मतलब ये जो है हमारा पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा पूर्ण घन नहीं है। अब हम कौन सा क्वेश्चन लगाते हैं, छठवां क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए छठवां क्वेश्चन जो है वो करते हैं। ठीक है, ये वाला जो है बिगाड़ देते हैं, छठवां क्वेश्चन जो है वो लगाते हैं। तो छठा क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा, वो है 1125। ठीक है, तो 1125, ठीक है, ये हम इसका लासा निकालते हैं। 5 से किया 5 × 10, 5 × 10 2 बचा 5 = 25, फिर 5 से किया 5 × 20 2 बचा 5 = 25। ठीक है, फिर 5 से किया 5 × 45, ठीक है, फिर 3 से किया 3 × 9, फिर 3 से किया 3 × 3, तो मतलब हमारे पास इसका जो त्रिक आया है, यहाँ पे तो जगह है नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिखे ले रहे हैं 1125 का जो त्रिक आया है वो हमारा क्या आया है, 5 × 5 × 5 × 3 × 3, 5 का तो बन गया है पर 3 का नहीं बना है, मतलब ये हमारा क्या घन, पूर्ण घन नहीं है। क्या क्या निकला, ये हमारा जो है पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अब हम कौन सा क्वेश्चन करते हैं, अब हम क्वेश्चन करेंगे, कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब हम क्वेश्चन करेंगे सातवां क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, सातवां क्वेश्चन करेंगे। तो सातवां हमारा क्वेश्चन क्या है, सातवां जो क्वेश्चन है वो 10976 है। क्या है, 10976 है, 10976। इसका हम लासा निकालेंगे, 10976 का लासा निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं लासा, 2 × 1 = 5, 10 और कुछ नहीं बचा, 2 × 8, 2 × 8 1 बचा, 2 × 8 = 16 1 बचा, 2 × 8 = 16। ठीक है, फिर 2 से किया, 2 × 2 = 4 1 बचा, 2 × 7 = 14 कुछ नहीं बचा, 2 × 8, 2 × 8 फिर 2 से किया, 2 × 1 = 2 2 × 3 = 6 1 बचा, 2 × 7 = 14 2 × 2 = 4 फिर हम 2 से करेंगे, 2 × 6 = 12 1 बचा, 2 × 8 = 16 1 बचा, 2 × 8 = 16 1 बचा, 2 × 6 = 12 फिर हम 2 से करेंगे, 2 × 3 = 6 2 × 3 = 6 2 × 8 2 × 3 = 6 अब हम किससे करेंगे, 7 से करेंगे, 7 × 7 = 28 और 7 × 63 फिर 7 से करेंगे, 7 × 7 = 49 फिर 7 से करेंगे, फिर हमारा ये इस तरीके से आ जाएगा। तो हमारा इसका 10976 का हमारा क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने 2 हैं, 1, 2, 3, 4, 5 5 2 हैं। ठीक है, और 7 कितने हैं, 7 जो हैं हमारे 3 हैं 7। तो 7 का त्रिक तो बन गया, 2 का भी त्रिक बन गया, पर इसका त्रिक जो है वो नहीं बना। तो मतलब क्या हुआ, ये छठवा भी हमारा पूर्ण घन नहीं है। तो छठवा भी जो है हमारा पूर्ण घन नहीं है। क्या है, छठवा भी हमारा पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अब हम लगाते हैं सातवां क्वेश्चन, सातवें के बाद आठवां क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, पूर्ण घन नहीं है, आठवां जो है वो रह गया है, आठवां क्वेश्चन जो है वो हम लगाते हैं। ठीक है, आठवां क्वेश्चन हम लगाएंगे जो है 5832। इसके लिए हमें बोर्ड को बिगाड़ना पड़ेगा। क्या है, 5832, ठीक है, 5832।
तो आठवां क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, देख लेते हैं, छोटा ही क्वेश्चन है, वो हमारी लास्ट वीडियो है, अब नहीं बनाएंगे, ठीक है, परेशान नहीं हो। तो ये है हमारा, तो 5832 जो है इसका हमें लासा निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, दो से करते हैं, दो दूनी चार, एक बचा, दो नेम 18, कुछ नहीं बचा, दो एक कम दो और दो छंग 12, ठीक है। अब हम किससे करते हैं, फिर से दो से करते हैं, दो एक कम दो, फिर हमारा यहाँ पे क्या बचा, दो चक्कू 8, एक बचा, दो एक कम दो, दो चक्कू 8, एक बचा, दो पंचे 10, एक बचा, दो अट्ठे 16, ठीक है। फिर हम दो से करते हैं, दो सते 14, दो दूनी 4, दूने 18। फिर हम किससे करते हैं, दो तीन से करते हैं, तीन दूनी 6, एक बचा, तीन चक्कू 12, तीन तिया 9। फिर हम तीन से करते हैं, तीन अट्ठे 24, तीन एकम 3। फिर तीन से करते हैं, तीन दूनी 6, तीन सत्ते 21। फिर तीन से करते हैं, तीन नेम 27। फिर तीन से करते हैं, तीन तिया 9। फिर तीन से करते हैं, तीन एकम 3। इस तरीके से हमारा जो 5832 जो था इसका हमारा क्या आ जाएगा, इसका जो हमारा आ जाएगा वो ये आ जाएगा, कितनी बार दो है, तीन बार दो है, दो गुणे दो गुणे दो, और ये कितनी बार है, एक दो तीन चार पाँच छः, तीन गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन, तो दो बार ये हमारा त्रिक बन गया, ये हमारा त्रिक बन गया, और ये हमारा त्रिक बन गया। इस तरीके से हमारे सारे त्रिक बन गए हैं, तो इसका मतलब ये है जो हमारा पूर्ण घन है, ठीक है। इस तरीके से ये जो ये वाला जो है हमारा पूरा हुआ, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको क्लास जो है वो पसंद आई होगी, तो लाइक करेंगे। तो आज का क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन जो है वो ये है, 2744 किसी का घन है या नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है, 2740 किसी का घन है या नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आपको क्या करना है, हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। आप हमारे चैनल को शेयर कहाँ कहाँ कर सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं भी शेयर कर सकते हैं, और किसी को, अपने फ्रेंड्स को, परिवार को, रिलेटिव को, किसी को भी कर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो ज़रूर सुन के जाएँ, अभी स्किप नहीं करें, और जो पुराने बच्चे हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, पर नए बच्चे हैं वो बात सुन के ज़रूर जाएँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लीजिए, ठीक है, फिर जाइए। तो भाई इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम यहाँ पे सर्च करते हैं जोजस स्टडी, जोजस स्टडी सर्च करते हैं, तो हमारा ये चैनल जो है खुल के आ जाता है। इस तरीके से चैनल पे जब हम टैप करते हैं तो पहला ऑप्शन है होम का, दूसरा है वीडियोस का, तीसरा है प्लेलिस्ट का, चौथा है चैनल का। जब हम प्लेलिस्ट पे जाते हैं तो हम जब ने प्लेलिस्ट पे टच किया तो हमारी कई सारी जो हैं प्लेलिस्ट हैं, कक्षा 1 की, कक्षा 2 की, हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट जो हैं वो खुल के आ जाती हैं। अब आपको अगर ज़्यादा नहीं दिख रही तो ये एरो दिख रहा होगा, एरो पे आप टैप करेंगे, कहाँ है एरो, एरो पे आप टैप करेंगे, उसके बाद इस तरीके से ये के आ जाएगा व्यू 30 मोर। तो व्यू 30 मोर पे आप टच करेंगे तो बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो आपके अलग अलग सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट वाइज वो खुल के आ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आपको जिस भी क्लास की वीडियो देखनी है वो आप देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट की वीडियो जो हैं वो पड़ी हुई हैं। और उसके बाद हमारी तीसरी बात ये है कि जब आप चैनल पे टच करेंगे, जब आप चैनल पे टच करेंगे तब आपको हमारे तीन और चैनल दिखेंगे, पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। इन तीनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये हमारे क्रिएटिव चैनल है। दूसरा, पहला जो चैनल है वो हमारे बच्चों के लिए चैनल है, बच्चों को कैसे क्या सिखाया जाता है, उनको कैसे क्रिएटिव बनाना है, कैसे क्या चीज़ सिखाना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा चैनल है, दूसरा जो जस्ट क्राफ्ट ज्वेलरी चैनल है,
इसमें क्या आपको दिखाया गया है, उसमें सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी जो हैं खुद हाथों से बनाना सिखाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर ज्वेलरी खुद हाथों से मैंने बनाई है, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से ये ज्वेलरी बनी हुई है। आप कहीं भी पहन के जा सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ये आप देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे एक बार विजिट जो ज़रूर करिएगा। अब हमारा जो तीसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, इसमें क्या है घर की जो पुरानी बेकार चीज़ें होती हैं ठीक है, उनसे हम क्या क्या सुंदर सुंदर डेकोरेशन वाली चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं, वो हमारे वीडियोज़ हैं ठीक है। इस तरीके से आप हमारे इन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो भाई अब बाय बाय, सब्बा खैर, गुड बाय बाय बाय।